हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाला था, जो कि ये वाला वीडियो आप लोग साइड में देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला था, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि ये मैंने पोज तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन इसमें जो एडिटिंग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फ़ोटो है और जो मैंने एडिट करके जो बनाया है फ़ोटो को, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये वाला जो एडिटिंग है, ये मैंने कैसे किया, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने इस टाइप की एडिटिंग कैसे किया, आप अपने फ़ोटो में इस टाइप की एडिटिंग को कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग अपने फ़ोटो में बहुत ही इजीली इस टाइप के एडिटिंग को कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ जो आप चश्मा देख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट चश्मा पहना, जो कि पावर वाला चश्मा होता है, और यहाँ पे आप लोग को मैंने उस पावर वाले चश्मे को सनग्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर आप भी अपने फ़ोटो को इस टाइप से एडिट कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फ्रेंड्स, मैं अभी सबसे पहले अपना ओरिजिनल फोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है ओरिजिनल फोटो जो मैंने वीडियो में से लिया था। तो अब हम लोग इसके ऊपर एडिटिंग करेंगे और इस फोटो को इस फोटो में कन्वर्ट करेंगे। तो एडिटिंग करने के लिए मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपसीड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप बहुत ही इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस स्नैपसीड लिख के सर्च करना है। तो मैं अब शेयर पे टैप करूंगा। शेयर पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली स्नैपसीड में शेयर कर देना है। तो देखिए, हमारा जो पिक था वो स्नैपसीड में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स में जाएंगे और इसमें देखिए एक टूल्स रहता है हीलिंग, आपको हीलिंग को टैप करना है। हीलिंग पे टैप करने के बाद ऊपर में जो अनवांटेड चीज़ें, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबको आपको हील कर देना है। इससे क्या होगा कि ये सब कुछ हट जाएगा आपके पिक में से। और यहाँ पे देखिए हमारा ये इस टाइप का शैडो आ गया, इसको भी हम लोग हटा देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पिक है वो और भी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ हटाने के बाद। तो जो दीवार में भी अनवांटेड चीज़ है, ये सब कुछ आप लोग हटा दीजिए। आपको अपने पिक के अकॉर्डिंग ये जो अनवांटेड चीज़ है वो सबको हटा देना है। तो देखिए, मैंने सब कुछ यहाँ पर हटा दिया है। उसके बाद आपको ये जो डन का बटन है, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्यून इमेज, आपको ट्यून इमेज पर टैप करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग टाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे, आपके सामने ऐसा एक मेन्यू आ जाएगा। अब हम लोग इस मेन्यू के हेल्प से इस पिक्चर को ट्यून करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्राइटनेस देख लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा माइनस पे रखूँगा ब्राइटनेस को। कंट्रास्ट आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना होगा, तो मैं इसको भी मैं माइनस पे रखूँगा। सैचुरेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। हाइलाइट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाइलाइट्स कम रखें, तो मैं भी हाइलाइट को। शैडो मैं यहाँ पे हटा दूँगा, शैडो नहीं चाहिए। और यहाँ पे वार्मनेस मैं इसको कूल साइड पे रखूँगा, ठीक है। तो हमारा जो इमेज है वो ट्यून हो चुका है। अब हम लोग सिलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे। सिलेक्टिव पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको ये जो कर्सर है इसको अपने स्किन के डार्क साइड पे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर देना है, ताकि आपको जो स्किन है वो पूरा रेड हो जाए और कवर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर इसको एडिट करेंगे। तो ब्राइटनेस आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। यहाँ पर आप लोग ब्राइट ही रखेंगे, मेरे को पता है, तो आप लोग इसको प्लस साइड रखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग हमारा फेस देख सकते हैं पहले से कितना बेटर हो गया है। इसके बाद हम लोग अपने टी शर्ट को एडिट करेंगे। टी शर्ट के लिए आपको सेम इसी टूल को अपने टी शर्ट पे रखना है, और आपको इसको इस जगह रखना है जैसे आपका पूरा टी शर्ट कवर हो जाए। ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा टी शर्ट कवर हो जा रहा है। उसके बाद मैं अपना टी शर्ट को थोड़ा डीप कर दूंगा। ठीक है, देखिए हमारा टी शर्ट जो था पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। तो इतना काम आप लोगों को कर लेना है। अब मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग ये जो फोटो है इसमें आप लोग सनग्लास कैसे ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ग्लास पहना है जो कि पावर वाला ग्लास है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं जिसको। तो अब हम लोग इसको सन ग्लास में चेंज कर देंगे, और हम लोग ऐसे चेंज करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सन ग्लास है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन के बैक आ जाना है, उसके बाद आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सन ग्लास लिख के सर्च करना है। आपको जैसा भी सन ग्लास चाहिए, जिस भी कलर का चाहिए, येलो, रेड, ब्लू, जैसे भी चाहिए आपको, तो बहुत सारा फोटोज़ मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी जाके जो भी सन ग्लास आपको पसंद होगा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप उस सन ग्लास को अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं बिना उस सन ग्लास को परचेस किए, जिससे आपका पैसा भी बच जाएगा और सन ग्लास भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक सनग्लास का इमेज को डाउनलोड कर रखा हुआ था, तब मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा वो पिक्चर। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डबल एक्सप्लोजर, आपको उस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड ए इमेज, तो आपको ये जो इमेज और ऊपर जो प्लस दिया हुआ है आपको उस पर टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे आपके फ़ोन में जितने भी फोटोज़ होंगे वो सब कुछ आ जाएंगे, तो आपको उस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। तो मैं अभी फटाफट उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा सनग्लास का इमेज। अब मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ ये कैसा इमेज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है हमारा सनग्लास। अब इस सनग्लास को हम लोग पहनेंगे, वो भी बिना इसको परचेस किए। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो ओपेसिटी है उसको हम लोग हाफ पे रखेंगे इस तरह से, और हम लोग अब एक एक ग्लास को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लेफ़्ट साइड वाले ग्लास पे इसको लगाऊंगा। तो आपको अपना कलर सेलेक्ट कर लेना, आपको कैसा कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको रख देना है। उसके बाद जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन था आपको उस पर टैप करना है, और इसका जो ओपेसिटी था उसको आप एकदम फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद आपका इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा, और आप इसको डन कर दीजिए। तो देखिए हमारा इमेज दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेयर्स, आपको लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा व्यू एडिट्स, आपको व्यू एडिट्स पे टैप करना है। इसके बाद जितना भी हम लोग ने एडिटिंग किया होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो होगा। तो जो हम लोग ने डबल एक्सप्लोजर एडिटिंग किया था हम लोग उस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स, ब्रश और डिलीट। तो आपको ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है उस पर टैप करना है। उसके बाद आपका जो फोटो है उसको थोड़ा जूम कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद ये जो आई बटन है, मतलब ये जो आँख जैसा बना हुआ, आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद जो ग्लास के अंदर का फ्रेम है आपको उसको पेंट कर देना है इस तरह से। देखिए आप थोड़ा टाइम लेके करिएगा अपना, और आपको इसको अच्छे से पेंट कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने इसको पेंट कर दिया, और अगर कहीं पे बाहर निकल गया तो आप उसको हटा दीजिए इस तरह से। देखिए हमारा जो ग्लास था वो एकदम अच्छे से पेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आई वाला बटन था उसको ऑफ कर देना है, और देखिए हमारा जो नॉर्मल चश्मा था वो चेंज हो गया, कैसा चश्मा बदल गया ये देखिए। ठीक है, और देखिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कोई फेक चश्मा लगाया हुआ है, एकदम रियल जैसा ही लग रहा है। तभी मैंने एक लगाया इसलिए बहुत ही अजीब लग रहा है, तो हम लोग दोनों लगा देते हैं इस पर। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, टूल्स में जाना है, डबल एक्सपोजर में जाना है, प्लस पर टाइप करना है, उसके बाद आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा हम लोगों ने किया था आपको वैसे ही करना है। इसके बाद आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। ओपेसिटी को आप एकदम फुल कर देना है। सेम प्रोसेस करना है आपको, व्यू एडिट में जाना है, और यहाँ से आप लोग इस ब्रश वाले टूल पर टैप करिए। और ये वाला जो हमारा ग्लास था उसको भी आपको पेंट कर देना है। अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट लुक भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये जो हमारे नीचे में देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा डबल एक्सपोजर जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको 50 कर देना है अगर आप लोग ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो। अब ये जो हमारा पेंट होगा ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, ये देखिए। देखिए ये जो हमारा ग्लास है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसको 25 कर देंगे तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
और 75 कर देंगे तो ये थोड़ा ओपेक हो जाएगा, और 100 करेंगे तो एकदम ओपेक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट फील आ रहा है एक ठो, और ये वाला जो है ये पूरा ओपेक है। तो आपको जैसा भी चाहिए आप लोग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा ओपेक रखूँगा, मेरे को ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, मेरे को एकदम सॉलिड कलर चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको पेंट कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पेंट करने के बाद आप लोग जीरो पे करके इसको थोड़ा सा जो हमारा बाहर निकल गया उसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो सनग्लास है वो ऐड हो चुका है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो सनग्लास का सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सनग्लास है बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डल कर देंगे। तो डल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है, सिलेक्टिव पर जाना है, और ये जो कर्सर है इसको आपको सनग्लास के लाइट कलर पर रख देना है इस तरह से। उसके बाद आप इसको थोड़ा जूम करिए, और ये जो थोड़ा हमारा उसको थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए जिससे ये थोड़ा डल हो जाएगा। सेचुरेशन में हम लोग थोड़ा सा इसका कम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सनग्लास है कितने अच्छे से ऐड हो चुका है, और ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है, ये एकदम रियल जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सनग्लास को ऐड कर सकते हैं। अब सनग्लास ऐड करने के बाद इसका जो मेन काम है लाइट्स का, इसको हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन में एडिट करेंगे। तब मैं चलता हूँ अपने लाइट रूम एप्लीकेशन पर, और वहाँ पर मैं आप लोग को इसको एडिट करके बताऊँगा। तो इसको सेव करने के लिए आपको डन पे टैप करना है। तो हमारा जो एडिटिंग था वो सेव हो रहा है। सेव होने के बाद आपको गैलरी में चल जाना है, और जो हमारा पिक्चर था वो वाला, ठीक है, तो ये है हमारा पिक्चर, इसको हम लोग शेयर कर देंगे लाइट रूम एप्लीकेशन पे। तो यहाँ देखिए आ रहा है हमारा ऐड टू एलआर, हम लोग इस पर टैप करेंगे, और हमारा जो फोटो है वो एलआर पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो फोटो है वो ऐड हो चुका। अब हम लोग अपने लाइटरूम एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो ये है हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन, हम लोग ने इस फोटो को ऐड किया था, तो हम लोग इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब इसको कैसे जैसे एडिट करना है अब मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहला काम आपको ऑटो पर टैप कर देना है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा अजीब हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, और ये जो हमारा लाइट्स है लाइट्स को एडिट करेंगे सबसे पहले। तो लाइट रूम में हमारा एक्सप्लोजर को कम कर दिया, पर हम लोग कम नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आपको एक्सप्लोजर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बहुत ही अजीब लगेगा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अभी मैं इसको एकदम थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। एक्सप्लोजर को मैं 0.10 पे रखूँगा, ठीक है, आप लोग भी इतना पे रखिएगा अगर आपके फ़ोटो का लाइटिंग वगैरह ठीक है तो। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लोजर को 0.10 पे रखा है। उसके बाद कंट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है थोड़ा सा, और जो हमारा हाइलाइट्स है उसको आपको कम ही रखना है। शैडो हम लोग थोड़ा सा इसमें शैडो घटा देंगे, मतलब शैडो को आपको प्लस साइड पे रखना है। और जो हमारा वाइट्स है वाइट्स को आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए, और ब्लैक्स को थोड़ा कम कर दीजिए। इससे जो आपका फ़ोटो का वाइट होगा वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और जो ब्लैक्स होगा वो और डीप हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, जो थर्मामीटर टाइप का बना हुआ है, आपको उस पर टैप करना है। अब यहाँ पे हम लोग एडिट करेंगे, तो टेम्परेचर आपके अपने पिक के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो आप लोग वार्म साइड भी रख के देख लीजिए आपका पिक किस में अच्छा लग रहा है, वार्म साइड या कूल साइड। तो मेरा जो पिक है ये मेरे को कूल साइड पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कूल साइड पर रखूँगा। टिंट आप लोग को प्लस माइनस आप लोग देख लीजिएगा, तो मेरे को प्लस ही अच्छा लगता है, तो मैं हर बार प्लस ही रखता हूँ। और जो वाइब्रेंस है आपको अपने फ़ोटो का वाइब्रेंस को बढ़ा देना है, इतना पे रख दीजिए। और जो सैचुरेशन है सैचुरेशन आप लोग कम कर दीजिए। ये देखिए वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद हमारा जो पिक है उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और सैचुरेशन से वो जो ब्राइट कलर है वो थोड़ा सा ढक जाएगा। इससे आपका जो पिक है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा अगर आप लोग वाइब्रेंस को बढ़ा के सैचुरेशन को कम कर देंगे तो। टेम्परेचर के बाद हम लोग इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग अपना इफेक्ट्स को एडिट करेंगे। टेक्सचर आप लोग को देख लेना है कम या ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा टेक्सचर को। क्लियरिटी में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, आप लोग अपने फोटो में विग्निटी डाल सकते हैं।
इफेक्ट्स के बाद हम लोग अब ये जो पिक है इस पर डिटेलिंग देंगे। डिटेलिंग को एडिट करने से पहले मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि आपका जो पिक होता है उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपने फेस के पास, ठीक है। इससे आप लोग पता चलता है कितना डिटेलिंग आ रहा है कितना जा रहा है, आपको सब कुछ यहाँ पता चल जाता है। तो शार्पनिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और जो हमारा नॉइस रिडक्शन होता है आपको इसको एकदम बढ़ा देना है, 50 से ऊपर ही रखिएगा आप इसको। और जो हमारा कलर नॉइस रिडक्शन होता है आपको इसको भी बढ़ा देना है, 70 तक रखिएगा इसको, मैं 73 रखा हूँ। और जो हमारा स्मूथनेस है उसको कम कर देना है, डिटेलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो लेंस जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोनों को ऑन कर देना है। और हमारा जो पिक है वो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑसम हो गया और ये देखने में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा एडिट किया हुआ पिक और ये है पहले का पिक, आपको देखिए दोनों में खुद डिफरेंस दिख रहा होगा। तो लाइटरूम से ये इफेक्ट पड़ता है, भले ही आपको ये डिफरेंस बहुत कम लग रहा होगा पर ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप लोग इसको लाइटरूम से एडजस्ट करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और साइड में आप लोग को दो वीडियोस दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।